फिलहाल घर से जी हम लोग आ गए हैं लीची के बगीचे में। देख सकते हैं लीची का बगीचा है यह, और सभी लोग हैं यहाँ पर, और आपको लीची सब दिखाते हैं। कितना लीची है यहाँ पर, भरा पूरा लीची है। और आधा लीची, जैसा कि सुनने में आया है कि आधा लीची यहाँ से टूट चुका है, और उसके बाद इतना लीची है। ये देखिए एक उधर हुआ लीची देख सकते हैं, और आपको और दिखाते हैं, कहीं भरा हुआ दिखाई दे तो वो आपको दिखाते। ये देखिए, और उस साइड आपको दिखाते हैं, उस पेड़ का लगता है अभी शायद नहीं टूटा है कुछ, तो इस पेड़ में जो भरा हुआ लीची अभी आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। देख रहे हैं भर भर के है लीची यहाँ पर। तो हम लोग जो घर में कुछ दिन पहले खा रहे थे लीची, वो यहीं का लीची था। यही देखिए जी, लीची को कुछ इस तरीके से तोड़ा जाता है वहाँ पर, और एक पूरा मोटरी बना हुआ है लीची का, और सभी लोग हैं ऊपर। हाँ, तो सारा लीची जो है यहाँ पर इकट्ठा किया जा रहा है, और इसको लेके जाया जाएगा मार्केट में। उधर भी है, वही देख रहे हैं। बल्कि एक तो यहाँ हुआ, ऊपर तो दिखाए हैं, तो ये सब क्या मार्केट जाएगा डायरेक्ट, वहाँ पर सेल हो जाएगा। ये मार्केट जाता है, मतलब अलग अलग सिटी में जाता है, नहीं अलग अलग सिटी में जाता है। तो यहाँ पे लीची ऐसे टूट रहा है, और यहाँ पे जो है काउंट कर कर के रखा जा रहा है। ये देख सकते हैं फोटो खींची तो यहाँ देख सकते हैं कितनी दादी बैठी हुई हैं सब। एक गुच्छा में 100 गो रही थी ना, 50 गो नहीं। तो यहाँ पे है इतना सारा लीची, ऐसे करके ऊपर से तोड़ के लाया जाता है, फिर यहाँ रखा जाता है, फिर यहाँ पे सब दादी छियो हमरा तो सब। हां दादी में लग दादी अलग तो सब नहीं चिन्ह छो, लेकिन हम तो सब चिन्ह छी। तो खेतवा बैठ में लग तब बते था दादी बरखी में लग पंखा जग बैठ जी गया पंखा जग तब बरखी में लग बरखी में छियो तो सब। हां तब बरखी में लग। हां नहीं ना गंगा जी नहावे ले लिए सोच लिए तन जाय छिए घूम लेबे। हां बगीचा सब तो बगीचा से जी हम लोग आ गए। बगीचा से आने के बाद हम लोग सीधा आ गए हैं इस नदी में, और यहाँ पर आकर के अपना नहा रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं गंगा में, और क्रियांश बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा है यहाँ पर। ए क्रियांश बिल्कुल, और क्रियांश को पानी से बाहर निकलना चाहते हैं, निकलना नहीं चाहता। देख रहे हैं कितना खेल रहा है ये, तब से हम नहीं नहाए, बस इसी को लेकर के। कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी हम लोग नहाते हैं, फिर उसके बाद जो हम लोग चलते हैं यहाँ से। पूजा भी करना है ना, कितना बजे करना है? 11 बजे। वैसे 1.5 घंटा है सुबह, 1.5 घंटा है, साथ में है तो बहुत सब, कोई दिक्कत नहीं। ए क्रियांश, ए है आंख में चला गया पानी, और मारो फिर करेगा, फिर करेगा। अब डर लग रहा है, ओए होए होए, मजा आया क्रियांश। तो हमारा हो गया जी गंगा स्नान, क्रियांश भी मजे से नहा लिया। क्रियांश तो वहाँ से आना ही नहीं चाह रहा था, अभी भी नज़र क्रियांश का जो है उधर ही है, लेकिन अब इसको लेकर के चलते हैं, उतना भी ज़्यादा नहीं नहाना है। और काफ़ी अच्छा लगा जी यहाँ पर आते हैं, और देख रहे हैं गांव के बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। गर्मी का मौसम है, आते हैं नदी में और अच्छा खासा देर नहा करके जाते हैं। तो फिलहाल गाड़ी है ऊपर, और यहाँ पर हमको चढ़ना है इस चढ़ाई पर, तो क्रियांश को लेकर के चढ़ने में थोड़ी सी तो दिक्कत आती है, लेकिन कोई बात नहीं, चढ़ जाएंगे। अरे भाई साहब, हाय हाय हाय, चलिए चलिए। A few moments later. तो अभी होने वाले हैं हम रेडी, घर में हमने पूजा पाठ कर लिया, और अभी रेडी होंगे वर्षावित्री के लिए, तो आपको दिखाते हैं। तो आज हम खुद से ही रेडी होंगे, कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं है, बस हमारी फ्रेंड आई है हमारा हेल्प करने के लिए, तो आपको दिखाते हैं हम कैसे कैसे रेडी होते हैं। तो गंगा स्नान करके सभी लोग आ गए जी, और सभी लोग हो गए हैं तैयार, तो जिया भी हो गई है तैयार, और सब लोग अब जो है जाने वाले हैं वट वृक्ष के पास, और वहीं पर चल करके जो है जो भी आगे का रस्म है, जो भी विधि है, सब वहीं पर होगा। हो गया सेल्फी। तो शिवा वहां से आ रहे हैं डाला लेकर के, डाला शायद संभल नहीं रहा है तो बांट लिया गया है, बिनी दूसरे के हाथ में और डाला इसके हाथ में।
क्रिया से ले जा रहे हैं अपना डिब्बा लेके क्या इसमें से रबर सब है ना बाल वाला लटांजलि फैक्टर है छोरी रवि वाले भौजी को उठाएंगे हमने लेके ही जाएगा वहाँ पर। तो गाड़ी लगी हुई है जी उधर, और तो सभी लोग चलेंगे पूजा करने के लिए। और पूजा जो होने वाली है गंगा किनारे ही पूजा होने वाली है, क्योंकि पास में ही देखते हैं कि वहाँ पर एक वट वृक्ष है और अच्छा खासा मंदिर वहाँ पर बना हुआ है। तो गांव की जितनी भी महिलाएं थी सभी को देख रहे थे वहाँ पर पूजा कर रही थी। तो जिया कहे कि नहीं हम लेट से जाएंगे, क्योंकि हम लेट से जाएंगे एकदम धूप होगा अच्छा खासा और उसमें भीड़ कम होगा तो सुकून से पूजा कर पाएगी। तो ऐसा था जिया का अपना आइडिया। तो उसके बाद चलिए देखते हैं बाकी भीड़ रहता है कि नहीं। और गाड़ी यहाँ पर लगी हुई है, गर्म होगा गाड़ी बहुत अभी। तो जी गाड़ी तो ले लिया है और क्रियांश एकदम वहाँ से दौड़े दौड़े आया कि हमको कोई ना छोड़ दे। तो क्रियांश को यहाँ बैठा लिया गया है और एसी ऑन कर दिए हैं, तो इसलिए शायद हो सकता है कि एसी का आपको आवाज़ भी आ रहा हो। तो क्योंकि गाड़ी बहुत गर्म है अभी और थोड़ा दूर जब चलेगा तभी ठंडा होगा, लेकिन जब तक ठंडा होगा तब तक हम लोग वहाँ पर पहुँच जाएंगे। और उधर जिया सब कर रही है इंतजार, वह सब आ जाओ आ जाओ जा बैठ जा पीछे। तो सभी लोग जी आ गए गंगा किनारे, यहाँ पर जो है गाड़ी अपना लगा दिया है और पीछे जो है पूजा चल रही है। और जिया ने जैसा सोचा था कि भीड़ कम रहेगा ऐसी कुछ बात नहीं है, अभी भी भीड़ अच्छा खासा ही है। अभी आपको दिखाते हैं क्लोज जा करके, शायद बाहर से आपको मालूम नहीं चल रहा हो, तो देख सकते हैं इतनी अच्छी खासी भीड़ है यहाँ पर। जिया सोच के आती भीड़ कम होगा, अभी भी भीड़ है। और क्रियान सभी उधर है अपनी नानी के साथ और हम बाहर आए हुए हैं। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति।
जोर से यहाँ पंखा झेला जा रहा है, जोर जोर से बहुत गर्माए हुए रहते हैं, ठंडा हो जाए। अच्छा, गर्मी भी बहुत है। पूरा पी जाइए। ओहो, पूरा पिलाने तक कर में स्पीड होती है। थोड़ा सा रहने दीजिए। हाँ, थोड़ा खुश रहो, गिफ्ट कम मांगो। खुश रहो, गिफ्ट कम मांगो। गिफ्ट आपसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? The next day. नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने नए ब्लॉग में। तो सुबह सुबह देख रहे होंगे जी, हम आए हुए हैं लीची के बगीचे में। जी हाँ, लीची के बगीचे में आए हुए हैं और हम लोग जो है आज होने वाले हैं विदा। तो हम लोग जो है सोचे थे कि थोड़ा सवेरे निकलेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है जिया के पापा ने कहा कि नहीं, आप लोग जा रहे हैं तो थोड़ा लीची ले करके जाइए। जो जिया के बाबा थे वो भी कह रहे थे कि नहीं, बिना लीची लिए नहीं जाना है। बहुत कहा हमने कि जी देखिए, उतना खाने वाले लोग वहाँ पर है नहीं, कि पापा है शुगर के पेशेंट, मम्मी थोड़ा बहुत खाएगी, हम खाएंगे और जिया खाएंगे, वो भी उतना ज़्यादा खाने वाला नहीं है। एक हम ही है जो थोड़ा अच्छा क्वांटिटी में खा लेते हैं, बाकी ये लोग नहीं खाते उतना भर के। लेकिन क्या कि नहीं नहीं ले करके जाना है, तो हम लोग को ले करके आए हुए हैं और गाड़ी भी सीधा अंदर ही लेते ही आए कि डायरेक्ट जो है लीची का जो गठरी है वो सीधे यहाँ पर लोड हो जाएगा। और क्रियांश अपना मजे में घूम रहा है यहाँ, तो इधर सारा लीची सब हो रहा है पैक यहाँ कार्टून में। नींद से ही उठे हैं, सीधे जगे और बगीचा में पहुंच गए हैं। आगे जा रहे थे, हम तो कह रहे थे परेशान करने का जरूरत नहीं है।